आज ही मैंने बनाए हैं आलू वाले छोले, जो बहुत ही सिंपल है और उसको बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोले मसाले की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 1 कप छोले को रात भर भिगो लिया है। उसके बाद नॉर्मली हमें इसे बॉईल करना है, बट इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे बॉईल करते टाइम। तो ये छोला कुकर में गया है। उसके बाद मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, 3 तेज़पत्ता और 1 प्याज लिया है, उसको कट कर लिया है, उसमें छोले में ऐड किया मैंने, और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद 1 चम्मच सरसों का ऑयल, और इसमें सरसों का ऑयल ही जाएगा, और 3 कप पानी, 3 से 4 कप पानी इसमें ऐड करें, जिससे छोले के ऊपर आना चाहिए। अगर 1 कप छोला है तो 3 कप पानी इसमें जाएगा। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे हम। अगर पानी कम है तो आप उसमें ऊपर से पानी और डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद आधा चम्मच हल्दी इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर दिया है, इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसको मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद मसाला तैयार कर लेते हैं। 4 से 5 सरसों का ऑयल इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई में। उसके बाद ये सूखे मसाले, जीरा और 4-5 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 4-5 काली मिर्च। उसके बाद इसमें ऐड होगा हींग, तो हींग तो जाना ही है इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए, तो आधा चम्मच हींग। उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज प्याज को पेस्ट बना लिया मिक्सी में पीस के, बस इसमें 1 ही प्याज जाएगा। और इसके बाद उसे हम अच्छे से बिल्कुल ब्राउन होने तक भुनेंगे। तो जब भी पेस्ट बनाते हैं हम, तो उसको भुनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो कच्चापन रह जाता है। और बिल्कुल ये भुन चुका है, अब इसमें हम आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो बस आधा चम्मच ही हमें इसे ऐड करना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसे अच्छे से भुनेंगे, काफ़ी अच्छे से भुनना है, और जो नीचे चिपक भी रहे हैं तो आप इसको अच्छे से भुनें, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो नॉर्मली सब आधा चम्मच जाएगा धनिया, मिर्च और हल्दी, आधा आधा चम्मच ही तीनों लिया है मैंने, छोटे चम्मच से आप 1 चम्मच ले सकते हो, बड़े चम्मच से आधा चम्मच। इसको अच्छे से फिर भुनेंगे हम इस मसालों को, बिल्कुल धीमी आंच पे भुनना है ये मसाला, ताकि वो जले नहीं। बिल्कुल स्लोली स्लोली मैं इसे भून रही हूँ। उसके बाद इसमें कोई भी ब्रांड का छोले मसाला अगर नहीं है आपके पास, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये 3 मसाले ही कमाल कर जाएंगे इस छोले में। तो 1 चम्मच छोले मसाला इसमें ऐड किया मैंने, फिर इसे भुनेंगे। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको प्यूरी बना लिया है। अब उसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे और इसे हम फिर भुनेंगे। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक इसे भुनना है। अब वो खुद स्मेल आएगा, जो फ्लेवर है उसका बहुत अच्छा पकने का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। अब छोला चेक कर लेते हैं हम, ये जो हमारे छोले हैं वो काफ़ी गल चुके हैं, और इसको बिल्कुल मैश कर देना है, ताकि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी सी बने। अब इसे मसाला चेक करेंगे, और ये हो रहा है, ये भुन चुका है लगभग। और इसे मैं बिल्कुल, पहले तो तेज़ आंच पे किया था मैंने, अब मैं इसे मीडियम आंच पे करके भुन रही हूँ। और इसके बाद 2 बॉईल आलू लेना है आपको, बस 2 बॉईल आलू, ताकि अच्छा बिल्कुल टेस्ट आए इसमें। तो 2 बॉईल आलू को मैंने इन मसालों में बिल्कुल मिला दिया है, और उसके बाद इसे भी भुनना है हमें आलुओं के साथ। इन मसालों को आलू के साथ हमें कम से कम 4 या 5 मिनट के लिए भुनना है, और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया है, तो आप ध्यान रखें अगर नमक कम है तो ही इसमें ऐड करें, क्योंकि मैंने पहले बहुत कम नमक ऐड किया था, इसलिए अभी किया है मैंने। तो आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भुन चुका है हमारा आलू और ये मसाले।
ये मैं तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं भून रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूँ ये। उसके बाद जो छोले हैं इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसे भी हम अब हम जिसकी आंच है तेज़ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब ये हो चुका है, अब इसमें हम गरम मसाला आधा चम्मच ऐड करेंगे और कसूरी मेथी 1 चम्मच, और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स मिक्स कर देंगे। और इसे ढक के पकाइए आप कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। बाकी ये हो चुका है तो ये तैयार है हमारा सिंपल सा छोले और आलू की रेसिपी। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ।